हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7W की क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास कह रहा है, 21 में दो पार्ट आपके पास हैं। पहला पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, इसका आपको समाकलन करना है। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस वैल्यू को हमने आई के इक्वल मान लेंगे। अब यहाँ पर हम प्रगुण नंबर 4 अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अपर लिमिट है उसको x से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी पाई माइनस एक्स, और x की जगह पर रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx। इसके बाद यहां पर साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx। ये हमारे पास i है। अब आप दोनों को ऐड करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास है। जब दोनों को ऐड कर देंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में ऐड होगा तो आई और आई टू आई हो जाएगा, लिमिट हमारे पास 0 से पाई है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन एक्स, और अंश की वैल्यू ऐड हो जाएगी तो वैल्यू आएगी एक्स प्लस पाई माइनस का एक्स। ये देखिए एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, पाई हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। फिर मैंने आपसे कहा था जब भी लिमिट 0 से पाई होती है आप प्रगुण नंबर 6 को अप्लाई करेंगे, तो चलिए यहाँ पे प्रगुण नंबर 6 को अप्लाई करते हैं। जब प्रगुण नंबर 6 को अप्लाई करेंगे तो दो केस हमारे पास होते हैं प्रगुण नंबर 6 में, एक सीधे वैल्यू 0 करता है और दूसरा क्या करता है 2 आपके पास बाहर आता है। तो यहाँ पर देखिए अगर 0 होगा तो ये फंक्शन माइनस का आना चाहिए, और अगर 2 बाहर करना है तो ये 0 आपका फंक्शन प्लस का आना चाहिए। चलिए पाई माइनस एक्स जब यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स ही आएगा, यानी फंक्शन आपका प्लस का ही आ रहा है। तो इसका मतलब प्रगुण नंबर 6 जब अप्लाई करेंगे तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा 2 पाई। इंटीग्रेशन में जब यहाँ से 2 हमने बाहर किया तो यहाँ पे क्या बचेगा पाई बाई 2, और डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास है 2i, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अभी ये आपके पास नॉर्मल इंटीग्रेशन हुआ जैसे हम लोग करते आ रहे थे। तो चलिए यहाँ पे साइन का फार्मूला हम लगाएंगे, कौन सा, टैन के पदों वाला, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन का फॉर्म लगाएंगे 2 टेन एक्स बाई 2 और डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। जब आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंश से 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा, और उसको हमने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ से वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 टेन एक्स बाई 2। और आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत हमने 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 को t मान लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेन एक्स का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का फिर से करेंगे 1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। फिर आप लिमिट को चेंज करेंगे, यदि x बराबर 0 तो जब 0 रखेंगे तो tan 0 0 होगा, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद जब x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे, जब x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4, tan पाई माइनस 1 होता है, 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से लिमिट हमारे पास आ जाएगी 0 की जगह पर 1 और पाई बाई 2 की जगह पर 2, sec स्क्वायर x बाई 2 की जगह डी डी टी हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर। तो 2 अपान पाई बाहर कर लिया और 1 अपान टी स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस का 1 अपान टी, और लिमिट हमारे पास है 1 से 2। ठीक है, पहले आप माइनस हमने बाहर कर लिया तो माइनस का 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ जाएगा 1 अपान टी लिमिट 1 से 2। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 2, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ जाएगी पाई।
तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। 21 का सेकंड नंबर हमारे पास है, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर की बात करेंगे। सेकंड नंबर हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारे पास वैल्यू है। तो ये हमारे पास है 21 का सेकंड नंबर। तो देखते हैं इसका क्या आपके पास हो सकता है। चलिए यहां पर इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर इस वैल्यू को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5/2 दिया गया है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा कॉस का 90, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आएगी कॉस एक्स। यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखिए अगर हम इसका समाकलन करें तो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसको आई के इक्वल मान लें, तो अगर इसको आई के इक्वल मानते हैं और यहाँ पर प्रकरण नंबर 4 अप्लाई करें, तो चलिए जब प्रकरण नंबर 4 को अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन का पाई बाय 2 माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस का पाई बाय 2 माइनस एक्स। फिर इसके बाद में डिवाइड बाय करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स और फिर हो जाएगा कॉस का पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये हमारे पास है डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस ये भी हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में आएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब जब आप दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट साइड में जब ऐड होगा तो आई और आई टू आई हो गया, लिमिट हमारे पास 0 से पाई बाय 2 है और जब आप एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन इंटू कॉस और यहाँ पर अंश में जो वैल्यू आपके पास बनेगी ये आपके पास ऐड हो जाएगी, तो साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास डी एक्स है, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन इंटू कॉस डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, इसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स की होल पावर एन इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है यन अपान यन स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम इस वैल्यू को आई के इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू को आई के इक्वल मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स की होल पावर एन। अब यहाँ पर इस वैल्यू को हम अंश में ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स की होल पावर माइनस एन और इंटू में हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स
ये वैल्यू हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड है, फर्स्ट सेकंड का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इनटू सेकंड का समाकलन, sec स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan x, लिमिट हमारे पास है 0 से पाई बाई 2, माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक, जब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस एन, और ये हो जाएगा sec x प्लस tan x की होल पावर माइनस एन माइनस वन। ये हमारे पास x पर है, इसका दोबारा करेंगे तो sec x का अवकलन होगा sec x tan x, और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। फिर इसके बाद में जब आप sec स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इनटू में tan x, और यहाँ से आ जाएगा dx। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखिए किस तरह से कैलकुलेशन होगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखें तो tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से नहीं रखेंगे। देखिए इसका हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। देखिए tan x अपान हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी sec x प्लस tan x की होल पावर n, ये वैल्यू आएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अपान कॉस, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वन अपान कॉस साइन अपान कॉस, तो वैल्यू आएगी वन प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स की होल पावर एन। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन एक्स, और ऊपर अंश में ये कॉस की पावर एन चला जाएगा तो कॉस की पावर एन हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा वन प्लस साइन एक्स, और डिवाइड में हमारे पास आएगा ये होल पावर एन हो जाएगा, और ये हमारे पास आएगा कॉस एक्स, ये कॉस के ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस की पावर में एन माइनस वन एक्स, और डिवाइड बाय हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स की होल पावर एन। तो आप देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन हमारे पास ये निकल करके आएगा। तो चलिए इसकी वैल्यू को हम जब आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया साइन एक्स इंटू में हो गया कॉस की पावर एन माइनस वन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स की होल पावर एन, और लिमिट हमारे पास क्या है 0 से पाई बाई 2। ये माइनस एन बाहर आएगा तो माइनस एन प्लस एन हो जाएगा, लिमिट हमारे पास 0 से पाई बाई 2 है। और ये हमारे पास क्या है, sec x को बाहर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी sec x प्लस tan x की होल पावर में माइनस एन माइनस वन इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब आप sec x को बाहर निकालेंगे तो ये आएगा sec x प्लस tan x, और sec हमारे पास बाहर आ जाएगा तो हमारे पास बच रहा है sec x इंटू tan x। इसका हमारे पास सेम वैल्यू है, जब आप गुणा कराएंगे तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगी, इसकी पावर 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 कैंसिल आउट, 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पहले जब अपर लिमिट रखेंगे तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, और साइन 90 आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब कॉस 90 0 करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या कर देगा 0, ठीक है। फिर इसके बाद में साइन 0 रखेंगे, कॉस 0 1 हो जाएगा, ये साइन 0 0 1 हो जाएगा, और साइन 0 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, और ये साइन 0 की वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यानी इसकी टोटल वैल्यू चाहे अपर लिमिट रखें या फिर लोअर लिमिट रखें, हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है, ओके। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, तो ये हमारे पास प्लस का एन है, लिमिट हमारे पास 0 से पाई बाई 2 है, और ये जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये पावर 1 ये पावर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू हमारे पास आएगी sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x की पावर माइनस एन, और इंटू में हमारे पास है sec x इंटू tan x। यहाँ पर हम फिर से फर्स्ट सेकंड का यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास पूरा फर्स्ट टर्म्स है और ये पूरा हम सेकंड टर्म ले लेते हैं, तो फर्स्ट से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये i के इक्वल चल रहा था हमारे पास, तो i इज इक्वल टू n हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड का जब यूज़ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो sec x tan x का समाकलन होता है हमारे पास sec x, और लिमिट हमारे पास है 0 से पाई बाई 2, फिर यहाँ से माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा माइनस का n, और यहाँ से हो जाएगा sec x प्लस tan x की पावर है माइनस एन माइनस वन, और ये हमारे पास x तो है नहीं, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो sec x का अवकलन होगा sec x tan x, और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और sec x tan x का हो जाएगा हमारे पास sec x। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए फिर से हमारे पास वही वैल्यू आ रही है। अब हमारे पास ये क्या आ रही है, पहले हमारे पास था tan x था, और ये हमारे पास क्या है, अब इनटू में sec x है। तो चलिए अगर हमारे पास यहाँ पर sec x है तो देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, और ये पावर में डिवाइड बाय n हो जाएगा, तो sec का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन cos, ठीक है। तो ये cos नीचे आएगा, cos की पावर n ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास cos नीचे जाएगा, ये cos की पावर n हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी n, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या वैल्यू आएगी,
ये हो जाएगा कॉस की पावर में एन माइनस वन इंटू एक्स, और ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स की होल पावर एन, और लिमिट हमारे पास है जीरो से पाई बाई टू। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन का अंदर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का एन स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का एन स्क्वायर, और फिर लिमिट हो जाएगी जीरो से पाई बाई टू, और यहाँ से आप एक सेक बाहर करेंगे तो सेक सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और यहाँ से वैल्यू बचेगी सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ पर देखिए फिर से वही वैल्यू हमारे पास बच रही है, अगर आप सेक को बाहर करेंगे तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स बचेगा, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन, और यहाँ पावर वन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एन बचेगी, और इंटू में हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक को बाहर कर लिया, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी। चलिए यहाँ पर हम पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे। चलिए अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पर पहले, जब यहाँ पर हम अपर लिमिट रखेंगे देखिए क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, आई इज इक्वल टू, जब अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस 90 हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो, और कॉस 90 हमारे पास जीरो हो जाएगा, वन प्लस साइन 90 हमारे पास वन हो जाएगा, तो ये कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास जीरो हो गई अपर लिमिट में। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, साइन जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा वन प्लस साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी वन अपान वन, यानी वैल्यू आएगी यहाँ से वन। इसके बाद में ये हमारे पास प्लस का यानी स्क्वायर है, अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास क्या थी, आई के इक्वल थी, तो इसको हमने i के इक्वल ले लिया, तो यहां से वैल्यू आ रही है i इज इक्वल टू माइनस का n प्लस का n स्क्वायर i, इसको आप इधर पक्षांतर करेंगे और इसको आप इधर भेज देंगे, तो यहां वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल टू n स्क्वायर i माइनस का i, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस वन इंटू i, तो i की वैल्यू आ जाएगी n अपान n स्क्वायर माइनस का वन, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई लॉग वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का फर्स्ट नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई लॉग वन प्लस कॉस एक्स, और ये हमारे पास है डी एक्स। तो ये हमारे पास पहले की तरह ही क्वेश्चन है, तो चलिए इसको लगाते हैं। तो हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन जीरो से पाई लॉग वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको पहले आई के इक्वल मान लेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई, और यहाँ हो जाएगा लॉग वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। प्रगुण नंबर चार पहले अप्लाई करेंगे, जब प्रगुण नंबर चार हमने अप्लाई किया तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई, और यहाँ हो जाएगा लॉग में वन प्लस कॉस का पाई माइनस एक्स, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी डी एक्स, और कॉस का वन एट्टी माइनस थीटा होता है हमारे पास, कॉस वन एट्टी माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो वैल्यू आ जाएगी वन माइनस का कॉस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में आई और आई टू आई हो जाएगा, लिमिट हमारे पास जीरो से पाई है, यहाँ पर आ जाएगा लॉग में वन प्लस कॉस एक्स, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो लॉग में वन माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी बन रही है लॉग एम और प्लस लॉग एन, तो क्या होता है हमारे पास लॉग एम इंटू एन, तो लिमिट हमारे पास हो जाएगी जीरो से पाई, यहाँ पर आएगा वन प्लस कॉस एक्स, और इंटू में हमारे पास आएगा वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब आप देख सकते हैं जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी जीरो से पाई, और यहाँ हो जाएगा लॉग में वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की बात करें तो हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो लिमिट हमारे पास हो जाएगी जीरो से पाई लॉग में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ जब प्रॉपर्टी निकालेंगे तो टू हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो टू आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई लॉग का, ये हो जाएगा टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो ये 2 हमारे पास बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट हमारे पास आएगी 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम प्रगुण नंबर 6 अप्लाई कर रहे हैं, जब यहाँ पर आप प्रगुण नंबर 6 को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई माइनस एस लेके चलेंगे तो फंक्शन हमारे पास प्लस का ही आ रहा है। तो प्रकरण नंबर 6 के अकॉर्डिंग यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 आपके पास बाहर हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 से पाई बाय 2, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब आप इसको ध्यान से देखें तो इसका हम लोग फार्मूला एज ए फार्मूला टाइप का हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका हम समाकलन आपको निकलवा चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी माइनस का पाई बाय 2 लॉग 2, ये इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आएगी माइनस का पाई लॉग 2, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी, ये पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम होती है। इसकी वैल्यू होती है माइनस का पाई बाय 2 लॉग 2, या फिर आप कह सकते हैं पाई बाय 2 लॉग का 1/2, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दी है, तो जैसे मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस पे लगवाया था उसको आप वहाँ से निकाल लीजिएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के सेकंड पार्ट की। चलिए 23 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 23 का सेकंड पार्ट हमारे पास जो है वो आपका होमवर्क है, इसको आप लगाइएगा। ये कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 यक्स 1 माइनस एक्स की होल पावर एन डी एक्स। ये पिछले आपके क्वेश्चन हम इस तरह से करवा चुके हैं। यहाँ पर आप प्रकरण नंबर 4 अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लगाइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए प्रकरण नंबर 4 अप्लाई करेंगे, यक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जब रखेंगे तो माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, यक्स की पावर एन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स, और यक्स की पावर एन का हम लोग अंदर गुणा करा देंगे, फिर इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद तो हम इसको लिमिट यहाँ पर रख देंगे और हमारे पास का आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 4 साइन कॉस 2 यक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 4 साइन कॉस 2 यक्स और डिवाइड बाय हमारे पास है कॉसेक 2 यक्स, ये हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए हमने इसके लिए क्या किया, ये हमारे पास है 0 से पाई बाय 4 और ये वैल्यू हमने इसको आई के इक्वल मान लिया, और ये हमारे पास है साइन कॉस 2 यक्स डिवाइड बाई कॉसेक 2 यक्स। यहाँ पर हम कॉसेक का फॉर्म लगाएंगे तो 1/ कॉसेक क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो 0 से पाई बाई 4 साइन कॉस 2 यक्स और इंटू में हमारे पास हो जाएगा साइन 2 यक्स। अब यहाँ पर हम कॉसेक 2 यक्स को प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, कॉसेक 2 यक्स को हमने टी ले लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, 2 यक्स का फिर से करेंगे 2 हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देन साइन 2 यक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी अपॉन 2, लिमिट को चेंज करेंगे, ये डी एक्स बराबर 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि x बराबर पाई बाई 4, तो जब यहाँ पाई बाई 4 रखेंगे तो वैल्यू आएगी cos का पाई बाई 2 और cos 90 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 0 की जगह पर 1 और पाई बाई 4 की जगह पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी sin t और sin 2x dx हो जाएगा माइनस का dt अपॉन 2। तो i इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से माइनस का 1/2 हमने बाहर कर लिया, लिमिट हमारे पास है 1 से 0 और ये हो जाएगा साइन टी डी टी। फिर हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर प्रकरण नंबर 1 को अप्लाई किया, प्रकरण नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस सिंबल आएगा, माइनस आपके पास आएगा तो माइनस चिन्ह आएगा, वो आपके पास प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 0 to 1 और ये आएगा साइन टी डी टी, और साइन टी का समाकलन होता है हमारे पास माइनस का कॉस टी और लिमिट हमारे पास है 0 से 1, तो यह आ जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ हो जाएगा कॉस टी, लिमिट हमारे पास 0 से 1 है, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस 1 हो जाएगा, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आएगी कॉस 0, तो कॉस 0 का 1 हमारे पास 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी कॉस 1 और माइनस का 1, जब माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 1, तो ये हमारे पास का आंसर हो गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे ही लेते हैं, रखते हैं, ओके, थैंक यू।